अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसमें सबसे पहले मैं डाल दे रही हूँ रिफाइंड ऑयल, 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, साथ में 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। डबल साइज पनीर के लिए आपको जो रिफाइंड ऑयल होता है वो ज्यादा लगता है देन किसी और सब्जी के लिए। हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दे रहे हैं, 2 लौंग डाल दे रही हूँ, 2 छोटी इलायची डालेंगे, तो इसको हम कूट लेंगे अच्छे से। आप इसमें और कोई खड़ा मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं, दालचीनी डालना चाहें तो दालचीनी डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे प्याज, अदरक और लहसुन, हरी मिर्चे का पेस्ट बना के रखा हुआ है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको जब तक डार्क ब्राउन हो जाएगा तब तक हम इसका, जब तक प्याज डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। दही डाल दिए, थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे, मिर्च पाउडर डाल देंगे और साथ ही साथ थोड़ा नमक डाल देंगे और इस सबको मिला लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अपने मसाले मिला लेंगे, नमक मिला लेंगे। नमक ध्यान रखिएगा कि आपने पनीर में भी मिलाया है। थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, एक चम्मच सब्जी मसाला, एक चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम कसूरी मेथी डाल देंगे इसको क्रश करके। तो आप ये देख सकते हैं हमारा टमाटर का जो मसाला है वो बनकर रेडी हो चुका है, उसे साइड छोड़ना शुरू कर दिया है। अब बस हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे और ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक मैंने यहाँ पे फ्राई पैन चढ़ा दिया है, उसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और उसे गर्म होने रख देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पनीर के टुकड़े आराम से मिला देंगे। इसको हमें ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सॉटे कर लेंगे। आप अभी एक साइड से इसको होने दें फिर दूसरी साइड से इसको चेंज करें। तो ये मसाला बनकर हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसमें पानी मिला देंगे।
सॉर्टिंग कर रहे थे वो हो चुका है। मैंने हल्का हल्का उसका कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसका एक उबाला आने तक इंतजार करेंगे। आप देख सकते हैं पानी में उबाला आ चुका है, हमारी ग्रेवी बन गई है। आप इसको थिक करना चाहें तो थोड़ा और थिक कर सकते हैं। मैं भी अभी तो 5 मिनट और ग्रेवी थिक करूंगी। तो ग्रेवी को मैंने थिक कर लिया था और हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारी सब्जी जो बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.